हाय फ्रेंड्स, अभी अभी काफ़ी लेटेस्ट नोटिस आया है बीपीएससी के द्वारा, जिसकी जानकारी आप लोग को सभी को होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप सभी ने बीपीएससी सीडीपीओ का एग्ज़ाम का फॉर्म भरा था तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिस होने जा रहा है। बिकॉज अभी हाल ही में अभी जस्ट कुछ ही मिनटों पहले बीपीएससी ने एक नोटिस निकाला रिगार्डिंग द अपडेट ऑफ बीपीएससी सीडीपीओ एग्ज़ाम। ठीक है, जो जानकारी आपको होनी चाहिए। हुआ क्या है, बीपीएससी सीडीपीओ एग्ज़ाम का जो डेट था, ठीक है, हमारे पास, ठीक है, 31 अक्टूबर, ठीक है, वो डेट अब पोस्टपोन्ड हो गया है। यस, मैं सही कह रहा हूँ, आपने सही सुना भी है। बीपीएससी सीडीपीओ एग्ज़ाम जो है वो 31 अक्टूबर को होने जा रहा था, वो पोस्टपोन्ड हो गया है। ठीक है, बिहार पंचायत चुनाव के कारण। ठीक है, तो अब ये संभावना जताई जा रही है कि इस एग्ज़ाम का जो डेट होगा वो मुख्यतः दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह में ही संभावित हो पाएगा। ठीक है, आइए नोटिस को पढ़ते हैं। ये हमारा बीपीएससी का नोटिस है, यू कैन सी हियर। ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग, ठीक है, एंड नोटिस जो है वो हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, आयोग के विज्ञापन संख्या 3/2021 के अंतर्गत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभिक दिनांक 31/10/2021 को निर्धारित की गई थी। ठीक है, बिहार पंचायत चुनाव 2021 के कारण उक्त तिथि को यह परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकेगी। परीक्षा आयोजन की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। ठीक है, यानी संभावित तिथि भी अभी घोषित नहीं की गई है कि कब ये एग्ज़ाम लिया जाएगा, कब ये परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, लेकिन चूँकि पंचायत चुनाव जो है ये 12 दिसंबर तक चलने वाला है, तो ये अति संभावित प्रश्न है, मतलब अति संभावित ये प्रश्न है कि क्या ये जस्ट दिसंबर में हो पाएगा कि क्या ये फिर ये जनवरी जाएगा। तो मेरे हिसाब से, ठीक है, सीडीपीओ का एग्ज़ाम 67 बीपीएससी के पहले होने वाला था। ठीक है, बिकॉज 12 दिसंबर को 67 बीपीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट करने की बात की गई थी और 31 अक्टूबर को सीडीपीओ का एग्ज़ाम की बात की गई थी। तो उसी लहजे से देखा जाए तो मेरे ख्याल से सीडीपीओ का एग्ज़ाम जो होगा वो आपका दिसंबर में ही होगा। ठीक है, आप उसके लिए तैयार रहिए और मे बी पॉसिबल 67 बीपीएससी का एग्ज़ाम जनवरी तक जा सकता है। ठीक है, धन्यवाद, बने रहिए चैनल के साथ सिविल सर्विसेज का अड्डा। ठीक है, लेटेस्ट अपडेट ऑफ द बीपीएससी आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।